हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्सॉन टाटा की नेक्सॉन है, इसका कूलिंग कॉइल लीकेज है और हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे। डैशबोर्ड खोलने के बाद नया कूलिंग कॉइल रिप्लेस करेंगे। तो इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए जैसे देख रहे हैं आप, ये कंसोल बॉक्स, ग्लो बॉक्स, ये सब हम छुट्टा करेंगे। छुट्टा करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे क्या खोलना पड़ रहा है, सब एक एक करके हम आपको बताएंगे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्रोम हमने पहले खोला, ऊपर का क्रोम खोलने के बाद ये इजीली साइड का पैनल निकल जाएगा। निकल गया इजीली। लेफ्ट साइड भी ऐसे ही दिया है, ये ऐसे खुल जाएगा खींच के, ये खुल गया। ये स्क्रू दिया है, ये स्क्रू 1 2 3 4 5 स्क्रू खोल लेते हैं। और ये 10 नंबर दिए हैं, ये वाली, ये 10 नंबर खोलने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका 5वां स्क्रू खुल गया और ये इजीली निकल गया। सबसे पहले हम ये कंट्रोल पैनल निकालेंगे, इजीली कंट्रोल पैनल निकल जाता है। इसके अंदर सॉकेट लगी रहती है, सब सॉकेट हम निकाल लेंगे। ये हम सब सॉकेट निकाल चुके हैं, फिर इसको हम पीछे रख देते हैं कंट्रोल पैनल को। इसके बाद ये फिर स्क्रू ये साइड का खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका स्क्रू हमने खोल दिया और इसको निकाल दिया, निकल गया ये इजीली। अब नीचे का 10 नंबर खोल रहे हैं। ये खोलने के बाद जैसे आप देख रहे हैं, ये साइड वाली पैनल को हम इसको अलग कर देंगे और ये जो है इजीली अपना जगह छोड़ देगा। ये निकल गया, इसको हम निकाल के अलग कर देंगे और ये निकाल देंगे। ये साइड पैनल के इसमें 2 स्क्रू दिया है, 2 साइड दिया है। आप देख रहे हैं जैसा, ये खोलने के बाद फिर देख सकते हैं, ये अपनी जगह से निकल चुका है। ये लॉक करके हम इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर हम पीछे 2 10 नंबर जो दिया है वो खोलने जा रहे हैं। ये रही पीछे साइड, यहाँ 10 नंबर दिया है, हम इसको खोल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खुल चुका। अब हम उस साइड का खोल लेते हैं। यहाँ पर एक ऊपर कवर दिया रहता है, वो कवर को निकाल देते हैं। हम निकाल दिए, इसको हम खोल रहे हैं। ये खुल चुका पूरी तरह से। फिर एयर ब्लोअर का जो इधर पीछे वेंट दिया है, इसको निकालने का, और इसमें एक सॉकेट दी हुई है, ये सॉकेट निकालने का। ये सॉकेट इजीली नहीं निकलता है। ये सॉकेट की ये जो पोर्शन दिया है, इसको ऊपर उठाने का, ऊपर उठा के फिर ये इजीली निकल जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, इसको उठाने का ऊपर, खुल गया है। फिर इसके अंदर आप देख, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैनल खुलेगा पहले, और इसके पीछे जो एक ये स्क्रू और एक ये स्क्रू, 2 स्क्रू दिए हैं, दोनों स्क्रू खोलते हैं। खोलने के बाद फिर ये इजीली निकल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इस नीचे जो आपको होल दिख रहा है, ये 2 10 नंबर दिया है, ये 2 10 नंबर खोलने के बाद कंसोल बॉक्स पूरा ऊपर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये कंसोल बॉक्स पूरी तरीके से खुल चुका है। अब हम इसको बाहर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंसोल बॉक्स पूरी तरीके से खुल चुका है। और रही पीछे कंसोल बॉक्स, ये यूएसबी केबल है इसमें, ये वाली, और चार्जर है। हेलो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं आप, कंसोल बॉक्स हमने पूरा खोल दिया है। और ये गियर बॉक्स को जो है, ये इसको पलटी मार देते हैं। हम पलटी मार के उस साइड गिरा, 4 बोल्ट रहता है 10 नंबर, चारों बोल्ट खोल के हम इसको पलटी मार के अलग कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं रहता है। अब हम जा रहे हैं डैशबोर्ड खोलने के लिए। ये पूरा कंसोल बॉक्स खोल लिया, अब हम डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट। डैशबोर्ड खोलने के लिए सबसे पहले आपको ग्लो बॉक्स खोलना पड़ेगा। ग्लो बॉक्स खोलने के लिए आपको ये क्रोम जो है सामने की, ये क्रोम निकालना पड़ेगा। क्रोम निकालने के बाद ये जो स्क्रू दिख रही है, सब स्क्रू खोलना पड़ेगा। खोल के फिर आपको दिखा, और ग्लो बॉक्स के जो नीचे स्क्रू दिया है,
ये सब स्क्रू खोलना पड़ेगा, फिर ग्लो बॉक्स बाहर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सब स्क्रू खोल दिया है, नीचे का भी स्क्रू खोल दिया हूँ। अब ये इसके नीचे निकल जाता है। इसमें दो सॉकेट रहेगी, एक ये सॉकेट और एक ये सॉकेट रहेगी। ये सॉकेट दोनों निकाल देने का, जैसे कि आप मैं देख रहे हैं कि मैंने खोल दिया है इसका, ये ग्लो बॉक्स खोल दिया है। पीछे साइड आपको जो दिख रही है ये ECM BCM वगैरह सब दिख रही है, सब इलेक्ट्रॉनिक की पार्ट दिख रही है आपको। अब इसके बाद हम साइड का ये जो 10 नंबर जो दिया है, सॉरी 12 नंबर जो दिया है वो खोलेंगे। वो खोलने के बाद फिर हम डैशबोर्ड को अलग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बाहर साइड दिया है 10 नंबर, 12 नंबर, 1, 2 दिया है, 2 उस साइड भी दिया है। ये खोलेंगे, ये खोलने के बाद फिर बाहर की हम ये खोलेंगे, फिर ये साइड पैनल खोलेंगे, फिर ये सब खोल के। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्सोन की डैशबोर्ड खुल चुकी है पूरी तरीके से। ये साइड के 2 12 नंबर खोल दिया हूँ, 1 बोल्ट बाहर आएगा, 1 बोल्ट अंदर ही रहेगा। ये सब सॉकेट वगैरह निकाल चुका हूँ, ये दोनों सॉकेट निकल गया है। ये ग्लो बॉक्स का सॉकेट है, ये सॉकेट निकाल दिया हूँ सब। और ये एयरबैग की मॉड्यूल का सॉकेट है, ये भी निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये दोनों 12 नंबर खोलना पड़ेगा यहाँ का। और स्टेयरिंग कॉलम को मैं नीचे ले लिया हूँ, यहाँ से खोल के ऊपर की ऊपर वाली ज्वाइंट से खोल के नीचे ले लिया हूँ। और ये 2 सॉकेट है, ये 2 सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ये 2 सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये दोनों 12 नंबर ये साइड का खोलना पड़ेगा और ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। और ये तीनों अर्थिंग का खोलना पड़ेगा, दोनों तीनों। और उसके बाद ये तीनों अर्थिंग का खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद फिर बाहर देखते हैं बाहर क्या क्या खोले हैं हमने। बाहर देख रहे हैं ये 3 बोल्ट खोलना पड़ेगा। 1 बोल्ट इधर दिया है यहाँ, और 2 यहाँ दिया है 12 नंबर का। ये बड़ी बड़ी बोल्ट हैं तब। उसके बाद ये वाइपर खोल के आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद कूलिंग कॉइल के पास का ज्वाइंट निकालना पड़ेगा। ये रही कूलिंग कॉइल का ज्वाइंट, वाइपर खोल के नीचे ले जाऊँ। और ये हीटर का ज्वाइंट भी निकालना पड़ेगा, कॉल पैनल सब खोलना पड़ेगा। खोल के फिर डैशबोर्ड, जैसा आप देख रहे हैं डैशबोर्ड ओपन हो चुका है मेरा। और उसके बाद हम ये तीनों अर्थिंग का बोल्ट खोल के डैशबोर्ड को यूँ पलटी मारेंगे, पलटी मार के हैंड ब्रेक को नीचे ले लेंगे ताकि ये इसको डैशबोर्ड को कुछ स्क्रैच वगैरह ना आए। जैसे देख रहे हैं आप नेक्सोन की डैशबोर्ड पूरी तरीके से खुल चुकी है, पलटी मार के हम सीट पे रख चुके हैं इसको। ये देखो पूरी तरीके से खुल चुकी है, पूरा सब खुल चुका है। और इसका इवेपोरेटर कॉइल ये रहा, इसका लीक हुआ है, इसमें निकालेंगे इसको, निकाल के इसमें दूसरा। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसका डैशबोर्ड पूरा पलटी मार चुका था, लेकिन इसका कूलिंग कॉइल जो है वो निकल नहीं रहा था, इसकी वजह से हम इसको छुट्टा करके खोल रहे हैं। पहले ये डैशबोर्ड पलटी मारेंगे, ये वाला ऊपर का कवर निकालेंगे, फिर एंगल निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड ऊपर की निकल चुकी है, अब हम इसका एंगल निकालने जा रहे हैं। एंगल निकालने के बाद तभी हम कंट्रोल यूनिट निकाल पाएंगे। हेलो गाइस, जैसे देख रहे हैं आप एंगल पूरा निकाल के सब डैशबोर्ड वगैरह सब इधर रखा हूँ, सब एंगल वगैरह नेक्सोन का। और कंट्रोल यूनिट, एसी यूनिट, क्लाइमेट यूनिट ये अंदर है, उसको हम निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद हम फिर इसमें इस पर ये करेंगे कूलिंग कॉइल। हेलो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं आप ये हीटर कॉइल है नेक्सोन का, पूरा कंट्रोल यूनिट खुल चुका है। ये कूलिंग कॉइल है, यहाँ से लीकेज है, ये जो दिख रहा है गीला गीला, यहाँ से लीकेज हो गया है, इसलिए हम इसमें दूसरा इवेपोरेटर कॉइल डालेंगे। ये रही ब्लोअर, ये पूरा कंट्रोल यूनिट है, अपन इसमें दूसरा कूलिंग कॉइल डाल के इवेपोरेटर कॉइल डाल के फिटिंग करके फिर आपको। जैसा आप देख रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठ चुका है, हम इसमें दूसरा कूलिंग कॉइल यानी इवेपोरेटर कॉइल डाल चुके हैं और हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। हेलो गाइस, जैसे देख रहे हैं आप हम इसको फिटिंग कर रहे हैं। कंट्रोल एसी कंट्रोल यूनिट लग चुका है, अब हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं। एंगल वगैरह फंसा दिया हूँ, फिर डैशबोर्ड वगैरह डाल के ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देख रहे हैं आप डैशबोर्ड डाल चुके हैं हम, अब बस ये फिटिंग बाकी है इसका। सब गियर बॉक्स वगैरह सब बैठा चुके हैं हम, स्टीयरिंग कॉलम वगैरह लगा चुके हैं और बस फिटिंग बाकी है इसका। हेलो गाइस, जैसे देख रहे हैं आप नेक्सोन की लगभग 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 सब मीटर वगैरह फिट हो चुका है, ये वगैरह कंट्रोल पैनल फिटिंग करके फिर आपको दिख। हेलो गाइस, जैसे देख रहे हैं आप नेक्सोन की लगभग 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 सब मीटर वगैरह फिट हो चुका है, ये वगैरह कंट्रोल पैनल फिटिंग करके फिर आपको दिख। हेलो गाइस, नेक्सोन को फाइनली हम फिट कर चुके हैं और गाड़ी चालू है अभी, आप देख रहे हैं। और एसी चालू है जो कि आप इसमें देखिए, डिस्प्ले में देखिए,
एसी चालू है और कूलिंग टेम्परेचर 8.6 यानी 8.9 पे आ चुका है। प्रॉपर सिस्टम हो चुका है, हम जो भी खोले थे गाड़ी के सभी फिट कर चुके हैं। अब देख रहे हैं सब प्रॉपर फिट हो चुका है और हम कूलिंग कॉइल रिप्लेस करके प्रॉपर फिट हो चुका है। हेलो गाइस, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।